बुधौली मुखिया हत्याकांड। मुखिया की हत्या मामले में रोजगार सेवक सहित दो गिरफ्तार। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। पकरी ब्रावा। नवादा जिले के पकरी ब्रावा प्रखंड क्षेत्र के बिधौली पंचायत की मुखिया पप्पू मांझी की हत्या मामले में सुपर मुखिया अमरेंद्र यादव सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अमरेंद्र इसी जिले के रोह प्रखंड में पंचायत रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत है। इसे बुधौली पंचायत का सुपर मुखिया कहा जाता था। वजह, पप्पू मांझी को उसी ने अपने समर्थन से मुखिया बनवाया था। अमरेंद्र के अलावा गिरफ्तार दूसरा शख्स मनीष सिंह इसी पंचायत के दौरा गांव का निवासी है, जो मुखिया का चहेता बताया जा रहा है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस का आधिकारिक पक्ष अब तक नहीं आया है। अब तक की यही जानकारी है कि मुखिया के ग्रामीण अमरेंद्र और इसी पंचायत के दौरा ग्रामीण मनीष सिंह की गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद मुखिया की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में पंचायत की उप मुखिया छोटू पांडे और मनीष सिंह को आरोपित किया गया था। उप मुखिया का नाम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होने और मनीष का नाम मुखिया और उसके बीच बातचीत का संभवतः अंतिम कॉल होना वजह बताया जा रहा है। वैसे ग्रामीण सूत्र बता रहे हैं कि यह सच है कि अमरेंद्र ने ही पप्पू को मुखिया बनवाया था, लेकिन इन दिनों मुखिया मनीष के संपर्क में ज्यादा था। पंचायत में ठेका पट्टा का काम इन दिनों प्रायः मनीष ही कर रहा था, जो अमरेंद्र को रास नहीं आ रहा था। यूं कहें मुखिया पाला बदल चुके थे, इसी वजह से अमरेंद्र ने उन्हें रास्ते से ही हटा दिया। वैसे सच क्या है, पुलिस ही औपचारिक रूप से जब बताएगी सामने आएगा। वैसे सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मनीष की कोई भूमिका नहीं थी तो उसे क्यों जेल भेजा गया। इसके पीछे का तर्क FIR में नामजद होना बताया जा रहा है। ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस अभी मनीष को क्लीन चिट नहीं दी है। जानिए क्या थी पूरी घटना। नवादा जिले के पकरी ब्रावा प्रखंड के बुधौली पंचायत की मुखिया पप्पू मांझी की गोली मारकर हत्या गुरुवार 13 जून की देर रात की गई थी। अगली सुबह गांव के इंटर विद्यालय के समीप चहार दीवारी से सटी उनका शव पाया गया था। गोली मारकर हत्या की गई थी। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नजदीक से कनपटी में गोली मारी गई थी। सूचना के बाद DSP पकरी ब्रावा महेश कुमार चौधरी और पकरी ब्रावा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की थी। घटनास्थल पर मुखिया का पैंट शर्ट शरीर के पास रखा था, जबकि मोबाइल चट्टी के अंदर था। बता दें कि पप्पू पिछले दो टर्म से अनुसूचित सीट से मुखिया थे। वैसे उनका पूरा कामकाज गांव के ही अमरेंद्र देखा करते थे। मुखिया पप्पू एक सीधे साधे किस्म के इंसान थे। मुखिया रहते हुए भी राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। मोबाइल पर बात करते घर से निकले थे मुखिया। बताया गया कि घटना को रात में मुखिया को उनके मोबाइल पर कॉल आया था। वे बात करते हुए घर से निकले थे, जिसके बाद अगली सुबह उनका शव पाया गया था। इस मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष आना बाकी है। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।